Hello friends, in this video we will talk about what you can do in Simla for 4 days, and we'll also show you whatever we will talk about or that destination. So let's start with day one. After reaching Simla, first day आप झाकू टेम्पल कवर कर सकते हैं. ये हनुमान जी का मंदिर है और झाकू हिल पे है. सो यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है वो बहुत ही बड़ी मूर्ति है. इम्पैक्ट अगर हम आपको दिखाएं भी यहाँ पे तो देखो आप कितना बड़ा मूर्ति है यहाँ पे हनुमान जी का. सो और ये जो मंदिर है ये हनुमान जी का मेन मंदिर है यहाँ पे, और मैं इसका भी आपको दर्शन करवा रहा हूँ. सो विदाउट विजिटिंग सिमला यू कैन हैव दर्शन ऑफ हनुमान जी. फिर डे टू पे बेसिकली हमने ज़्यादा हैक्टिक नहीं रखा था अपना शेड्यूल, बिकॉज वी हैड 4 डेज एंड वी वेंट देयर विद द बेबी एज वेल. सो आप जब बेबी के साथ जा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको हैक्टिक नहीं करना होता है अपना शेड्यूल. बट यहाँ का जो वेदर था ड्यूरिंग सितंबर, वी विजिटेड देयर इन लास्ट वीक ऑफ सितंबर एंड दिस इज़ दी सुपर्ब थिंग्स. सो अगर आप देखोगे तो यहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो जाता है. एज ऑफ नाउ हम अभी शिमला पे हैं, शिमला के मॉल रोड पे हैं, और मॉल रोड में बहुत सारी एक्टिविटी हैं करने के लिए. तो आप आराम से यहाँ पे 5-6 घंटे लगा सकते हो. यहाँ पे आप लक्कड़ बाज़ार जा सकते हैं, द रिज जा सकते हैं, मॉल रोड है, मिडिल बाज़ार है, लोअर बाज़ार है, स्कैंडल पॉइंट है, और बहुत सारा खाने का ऑप्शन है. सो आप जिस तरह से अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं. लकीली जिस दिन हम पहुँचे फॉर टाइम बीइंग यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, बट उसके बाद यहाँ पे बहुत बारिश होने लगी. सो आप देखोगे हर तरफ छाता है, सब लोग सिर्फ विद द हेल्प ऑफ अम्ब्रेला यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, एंड वी हैड नो अदर चॉइस गोइंग देयर. सो ये स्कैंडल पॉइंट है यहाँ का. क्योंकि बारिश हो रही थी तो यूजुअली यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा था, बट यूजुअली इस स्कैंडल के नीचे एक पुलिस वाला खड़ा होता है, सो दैट यू कैन नॉट गो ओवर देयर. एंड ये जो मॉल रोड का एक स्मॉल एरिया है, देन यहाँ पे मॉल रोड की बहुत सारी शॉप हैं. यू विल गेट ऑल दी ब्रांडेड शॉप ओवर हियर. सो इवन आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, और शॉपिंग के लिए ये बेस्ट है बिकॉज आप जो ब्रांड चाहो वो ब्रांड अवेलेबल है. मोस्टली यू विल हैव ऑल दी गुड ब्रांड, सो यू कैन ईजली हैव योर फेवरेट शॉपिंग, और जो आपको पसंद आए वो आप ख़रीद सकते हैं. बाकी नज़ारे चेंज होते रहते हैं. जैसे हम ऊपर पहुँचे आप देख ही सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, तो दिस व्यू इज़ रियली वेरी नाइस. और अब हम यहाँ से लक्कड़ बाज़ार गए थे. लक्कड़ बाज़ार में बारिश बहुत होने लगी थी उस टाइम पे, सो वी हैड नो चांस टू मेक वीडियो. बट यहीं से आप लक्कड़ बाज़ार भी जा सकते हो. जैसे आप लोअर बाज़ार से ऊपर आते हैं तो अब हम लोअर बाज़ार जाएंगे, और लोअर बाज़ार के टाइम पे बारिश फिर भी थोड़ा कम थी, सो वी थॉट टू मेक वीडियो. एंड यहीं से लोअर बाज़ार जगह लोअर बाज़ार जाने का रास्ता सीधा आप स्कैंडल पॉइंट से जाएंगे, और या तो आप सीढ़ियां ले लो अगर बारिश हो रही है तो, और सीढ़ियां लाइक बेसिकली यू शुड अवॉइड सीढ़ियाँ अगर आपके पास बेबी है और बारिश हो रही है. अगर आपको लगता है कि सीढ़ियाँ स्लिप कर जाएंगी तो बेटर है आप सीधा सीधा स्कैंडल पॉइंट से जाएंगे, और लेफ्ट से ही आप लोअर बाज़ार पहुँच जाएंगे. लोअर बाज़ार की खासियत ये है जो लाइक हमने फील करा और हमें ऑब्वियसली अच्छा भी लगा, बिकॉज ये जो मार्केट है यहाँ की ये सबसे रिजनेबल मार्केट है. यहाँ पर आपको चीज़ें बहुत ही रिजनेबल रेट पर मिलती हैं, प्लस अच्छी क्वालिटी मिलती है. हमने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करी एंड वी रियली फील दैट कि जो प्रोडक्ट्स था वो अच्छा था. फिर लोअर बाज़ार से आप वापस सीढ़ियाँ लेके वापस रिज पे आ सकते हैं, और जैसे ही आप रिज पे आएंगे तो देख सकते हैं आप ये नज़ारा फिर से कितना सुंदर हो चुका है. यहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग लहरा रहा है. That give you another feeling of being an Indian, and it's really a great feeling. जैसे आप इसको देखते हो लहराते हुए. Right hand side पे जब आप रिज की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पे library है, plus थोड़ी दूर और चलेंगे तो आपको right hand side पे आशियाना restaurant भी मिलेगा, जहाँ पे आप कुछ खाना भी खा सकते हैं जो भी आपको पसंद आए. रेस्टोरेंट अच्छा है एंड दिस इज़ दी दे डू सर्व क्वालिटी प्रोडक्ट. तो आप उनका चीज़ें और उनके फूड खा के देखो आपको कैसा लगता है जब आप जाते हैं. ये है वो रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रहा था. फिर
जो रिज है जहाँ पे इंडियन फ्लैग है जस्ट उसी के सामने हमने जो चर्च था सबसे लास्ट में रखा था, बिकॉज हमें पता था यहाँ से मॉल रोड से जाने के लिए वहाँ आपको आना ही पड़ेगा। ये इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च है। और अब हम बात करेंगे कि हमने डे थ्री क्या किया। सो डे थ्री वी थॉट टू विजिट कुफरी, और कुफरी जाते समय जो सबसे पहला प्लेस मिलता है आपको वो है ग्रीन वैली, इसका व्यू बहुत अच्छा है। एंड देन नेक्स्ट स्टॉप इज़ एडवेंचर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क जो है यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे और सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगाना भी चाहिए, बहुत एक्टिविटी है। लेट्स स्टार्ट विद द हॉन्टेड हाउस। हेलो हेलो आफ्टर दैट आप मिरर इमेज एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो आपको पसंद आए वहाँ पे आप वो कर सकते हैं, प्लस फोटो सेशन व्यूज़ बहुत हैं। मैं कॉस्ट एंड एवरीथिंग आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके बाद हमने डैशिंग एक्टिविटी करी, डैशिंग कार एक्टिविटी करी। सो वी हैड लॉट्स ऑफ फन वाइल ड्राइविंग दी कार। सो हम डैश कर रहे थे एक दूसरे से और इट वॉज़ दी बेस्ट एक्टिविटी। एंड उसके बाद कार रेसिंग है जहाँ पे कार रेसिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आपको इस एडवेंचर पार्क का पूरा व्यू दिखा देते हैं यहाँ पे और क्या क्या है, प्लस ये जो एडवेंचर पार्क है यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताएंगे। अगर आप कुफरी में इस एडवेंचर पार्क को स्किप करना चाहते हैं तो इसके अलावा फिर आपके पास यहाँ पे और कुछ करने की उतनी एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज़ इसके बाद जो प्लेस है वो जू है और जू के बाद फिर छोटी सी एक मार्केट है, बाकी कुछ नहीं है। देन यू विल गो बैक टू योर होटल। सो इट्स बेटर आप यहाँ पे टाइम बिताएं और फ़ोटो खींचें। रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वहाँ पे खाना खाएं या वट एवर फूड यू वुड लाइक, गो हैड एंड हैव दैट फूड। प्लस इस एडवेंचर पार्क में बहुत एक्टिविटी हैं और जो प्राइसिंग है वो 700 रुपीज़ है जहाँ पे चार एक्टिविटी हैं प्लस बहुत सारे अलग प्राइजेज़ हैं अलग अलग एक्टिविटी की। और अगर आप जैसे चार लोग हैं तो केवल एक 700 का टिकट लेते हैं, बाकी लोग एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें बाकी तीनों का आप 100 रुपीज़ का टिकट ले सकते हैं, बट किसी एक को मिनिमम फेयर वाला टिकट लेना पड़ेगा, दैट इज़ 700 रुपीज़। उसके ऊपर फिर आप जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं, लाइक 1000 की है, 200 की भी हैं, 2000 की भी हैं, 1500 की भी हैं, बट जितनी प्राइजेज आप देंगे उतनी एक्टिविटीज़ आप करेंगे। सो बेसिस दैट कॉस्ट आप चीज़ें उस हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखो आप बहुत सारी अच्छे व्यूज़ हैं जहाँ बहुत फ़ोटो खींच सकते हैं। प्लस हम यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो भी अच्छा है, वी बीन देयर। अगर हम आपको उसका व्यू दिखाएँ तो यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन। इम्पैक्ट हमने उसका वीडियो बनाया भी है छोटा सा, लेट अस शो यू कि रेस्टोरेंट दिखता कैसे है। इस रेस्टोरेंट में आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी खाने को, फ्रॉम टी टू योर ऑल दी फेवरेट फूड। सो वो आप ऑर्डर करके इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप था वो हमारा कुफरी जू था, जहाँ पे बहुत कुछ एक्टिविटी करने को नहीं है बट इट्स जस्ट ऑल अबाउट एनिमल्स हैं। जब आप वहाँ पे उनको जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा नेचर व्यू है, आप इंजॉय करेंगे। बहुत सारे डियर हैं, टाइगर दिखेंगे आपको यहाँ पे, बार्किंग डियर है जो कि हार्डली आपने देखा होगा। सो आप यहाँ पे आते हैं तो उसको ज़रूर देखें। और जो इसकी कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ एडल्ट की है और 20 और 30 रुपीज़ शायद बच्चे की, वो हमने ध्यान नहीं दिया हुआ था, बट 50 रुपीज़ इज़ पर एडल्ट। अब वापस हम होटल चलते हैं आज के लिए।
नेक्स्ट डे और जो लास्ट डे है हमारा शिमला का, वहाँ पे हमने डिसाइड किया हुआ है तारा देवी और संकट मोचन जी के दर्शन करने के लिए। संकट मोचन और झाखू टेम्पल दो अलग मंदिर हैं, तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा, दोनों ही मंदिर हनुमान जी को डेडिकेटेड हैं। सो सीढ़ियाँ 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 और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम माता तारा देवी के दर्शन के को पहुंच जाते हैं। और जिस दिन हम पहुंचते हैं वो नवरात्रि का पहला दिन रहता है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पे ये जो मंदिर है तारा देवी का, पूरा लकड़ी का मंदिर है। मैं आपको इस मंदिर को दिखाता हूँ, प्लस यहाँ का म्यूजिक भी सुनाता हूँ। और माँ तारा देवी मंदिर के जस्ट उसी सेम कैंपस में भैरव जी का भी मंदिर है। ऊपर आसमान और चारों तरफ के नज़ारे आप देख सकते हैं, इट्स वंडरफुल, यू विल लव द व्यू ऑफ दिस टेम्पल। माँ तारा देवी मंदिर से 250 मीटर दूरी पर दूधधारी माँ विराजमान है, सो हम वहाँ पर भी गए थे। वैसे हमने देखा है कि इस वाले टेम्पल पे बहुत ही कम लोग आते हैं, बट विल सजेस्ट यू कि अगर आप यहाँ आए हैं तो यहाँ पर भी आएँ। ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर है, जितना आपने तारा देवी मंदिर की सुंदरता देखी उतना ये भी है। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर भी लकड़ी का बना हुआ है, और नज़ारे प्लस इस मंदिर की सुंदरता का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो दिस इज़ अनदर बेस्ट प्लेस जहां आप आके माँ की ब्लेसिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो रास्ते में आपको शॉपिंग मार्केट भी मिलेगी, वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लेस था, फिर वी विजिटेड टू संकट मोचन टेम्पल, एंड दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी को समर्पित है ये मंदिर। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, फिर आगे चलेंगे तो आपको मेन गेट मिलेगा हनुमान इस मंदिर का, जहाँ से आप जाके प्रभु हनुमान जी और श्री राम माता सीता के दर्शन कर सकते हैं। हम आपको दिखाना भी चाहते हैं वो इम्पैक्ट, लेट्स गो एंड शो यू कि ये जो मंदिर है ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर से भी आपको शिमला नीचे दिखता है पूरा, प्लस यहाँ से जैसे आप एंट्री करते हैं राइट हैंड साइड पे शंकर जी का मंदिर है, प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे गणेश जी का मंदिर है। आपको देख पाएंगे ये गणेश जी का मंदिर है और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब आप नेक्स्ट थोड़ी दूर और आगे चलेंगे तो मेन हनुमान जी का जो संकट मोचन मंदिर है उसका गेट आएगा, और यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये वो मंदिर है। प्लस इस मंदिर के अंदर ही बाबा नीम करौली जी का भी मंदिर है, जो कि बेसिकली उनका जो मेन मंदिर है वो नैनीताल में है, बट आप यहाँ पर भी देख पाएंगे वो यहाँ पर भी हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको उनके भी दर्शन करने को मिलेंगे। अगर हम कैमरे को थोड़ा पीछे की तरफ दिखाएं आपको तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बाबा नीम करौली जी का भी मंदिर बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाबा नीम करौली जी का मंदिर जस्ट इसी मंदिर के सामने है। आप ये देखें, ये बाबा नीम करौली जी का मंदिर है। प्लस अंदर आप चलेंगे तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको प्रभु श्री राम और सीता माँ के दर्शन होंगे, और फिर आप हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। इसके बाद आप एडवांस इंस्टीट्यूट और आर्मी म्यूजियम भी जा सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट गो ऑन मंडे, क्योंकि मंडे वो क्लोज रहता है। इवन जो गार्डन एरिया है इंस्टीट्यूट का, वहाँ भी अलाउ नहीं रहता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आप अपना 4 डे का प्लान कैसे कर सकते हैं शिमला में। इसको आप कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, अगर आप बेबी कैरी नहीं कर सकते तो उसके हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। ये उसके बाद हम आ गए थे शिमला रेलवे स्टेशन पे। ये शिवालिक डिलक्स ट्रेन है जो कि यहाँ पे खड़ी है, 5:55 पे यहाँ पे चलती है। मैं आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखा देता हूँ, प्लस आई विल क्रिएट अनदर वीडियो कि आप शिमला कैसे आ सकते हैं, क्या बेस्ट वे है, कहाँ स्टे करना चाहिए, नेचर लवर हैं अगर आप तो आपके लिए बेस्ट होटल कैसा होगा या कहाँ रह सकते हैं, सो ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।